हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दौरे के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला परिषद प्रतिनिधि नरेंद्र घनगस ने आज कई गांव का दौरा किया। गांव करसिंधु में बोलते हुए कहा, आने वाली 16 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जींद में आस्था रैली होगी, जिसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाकर देश हित में काम किया है। 16 तारीख को जींद के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल जलसा और ये आपका प्यार, आपका सहयोग और आपके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। चाहे कोई पर्सनल काम हो, गांव का सामूहिक काम हो, राशन कार्ड, वोट कार्ड, जो भी आपका काम हो, उसको मैं दिल से करवाने की कोशिश करूंगा। अगर हम 16 करोड़ का 50% भी अपने वार्ड में लगा दे, कोई हमें चैलेंज करने वाला नहीं। इसलिए ज्यादा कोशिश मेरी यही रहेगी कि अपने वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करवाऊँ। बहुत ही मान और सम्मान के योग श्री जय भगवान एक्स सरपंच जी, हवा सिंह मलिक जी, इंद्र सिंह मलिक जी, गोपाल शर्मा जी, राजेश धर्मवीर जी, गुरजार सिंह, साथ में आए श्री रघुवीर सिंह गणगस, हमारे बहनों और हमारे पत्रकार बंधु और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माताएं और ये बहने यहाँ बैठी हैं। सबसे पहले तो मैं, आपने मेरे को मान सम्मान दिया, गांव में आने का मौका दिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पहुँचने पर साथियों, आज से लगभग 3 साल पहले मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और मेरे गांव करसिंधु की तरफ से शायद 60% वोट आप लोगों ने मेरी जोड़ी में डालकर मेरा मान सम्मान किया था। चुनाव के अंदर सारे गांव की वोट को मैं मानकर चलता हूँ कि जीतने के बाद कोई अपोजिट नहीं, कोई पक्ष नहीं, 100% गांव करसिंधु ने मेरी जोड़ी में वोट डाले, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथियों, चुनाव से पहले मैंने आपसे एक ही वादा किया था कि अगर मैं जिला परिषद का मेंबर बना तो आपके वार्ड के जोड़ी में मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपके वार्ड में, आपके हल्के में मैं जिला परिषद की चेयरमैनी लेकर आऊँ। लेकिन उस समय किन कारणों से आपकी एक वोट से पराजय हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने हमेशा 3 साल आपके गांव में न पहुंचकर बल्कि 3 जिले में हर एक वार्ड में जाकर सिर्फ यही संघर्ष करता रहा कि उस चूक को, उस भूल को, उस किस तरह से हम एक वोट से पराजित हुए उसको सुधारने का और अपने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीतने में लगा रहा। आपके गांव में नहीं आ सका, उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब आपके गाँव में पावर आई है, आपके हल्के में पावर आई है, आपके जो पार्षद है प्रवीण गंगस जी और जिला परिषद की चेयरपर्सन, यानी पहले 1 वोट से हारी थी, आपकी बार 5 वोट से जीत कर आपके पास, और ये आपका प्यार, आपका सहयोग और आपके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। एक आदमी किसी भी काम को नहीं कर सकता, आपका स्नेह जो मेरे साथ और आपका आशीर्वाद था, उसकी वजह से ये कामयाबी हुई है। और उस कामयाबी के तहत जो ये पद, जो अपना 3 जिले के 308 गांव है, आप 308 गांव की सरदारी आपके वार्ड में आपके गांव के अंदर है, 308 गांव का आपने काम देखना है, ना कि आपके अपने वार्ड का। और मैं अपनी तरफ से, जिला चेयरमैन की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी काम, चाहे कोई पर्सनल काम हो, गाँव का सामूहिक काम हो, राशन कार्ड, वोट कार्ड, जो भी आपका काम हो, उसको मैं दिल से करवाने की कोशिश करूंगा और विश्वास भी दिलाता हूँ आपका काम करूंगा। और आपके जितने भी गली के, नाले के, कोई भी खेत की प्लाटिक है, नलका है, जो भी मेरे इसमें अधिकार क्षेत्र में आते हैं, आप मेरे को एक लेटर पे लिख के दे दो। तकरीबन अभी यहाँ आपके यहाँ बैठकर सलाह करके सारा कोई पास करके चलेगा। साथियों, हमने 308 गांव देखने हैं,
और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आपके हाथ में पावर, अगर पूरे के पूरे ग्रांट का 13 तारीख का हमने मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में आपके जिला परिषद ने 16 करोड़ रुपए का वितरण करा। अगर हम 16 करोड़ का 50% भी अपने वार्ड में लगा दे तो ये हमें चैलेंज करने वाला नहीं। लेकिन पार्टी का नारा है कि सबको साथ लेके चलना है, चाहे हमारे पक्ष में वोट आए ना आए, जिन साथियों ने वोट नहीं डाली वो भी अपने हिसाब से, हम लोगों ने वोट ले रखे हैं, उनके भी वार्ड के उनके भी हल्के के काम है, हमें उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए ज्यादा कोशिश मेरी यही रहेगी कि अपने वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करवाऊँ, ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्या सुनूँ, ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग करूँ, और आपसे ना हो सके हो आप कोई भी नाराज ना हो आकर मेरे से मिल लियो, कान पकड़कर डांटने का अधिकार आपको नाराज होने का नहीं, मैं आपने नाराज है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपका काम हो, आपके वार्ड का काम हो, आपके हफ्ते का काम हो, और मैं आपसे एक और नम्र निवेदन करने आया हूँ कि 16 तारीख को जींद के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल जलसा हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी भाई 16 तारीख को जींद में पहुंच रहे हैं, और उसका आयोजन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी देखरेख में ये जलसा होना है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि उस जलसे में ज्यादा से ज्यादा आपके गाँव से आदमी पहुंचे, कम से कम भी मैं 1 या 2 मस आपके गांव में भेजू, आपने उस बस को भरने का कार्य करना है, कम से कम आपके गांव में से 60-70 आदमी सदस्य में जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को पहले से बहुत मजबूत है और उसके हाथ और भी मजबूत करने हैं। जिस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे भारत में 5-7 साल से राज्य करती रही, और उस पार्टी ने हमारे देश को विभाजन करने का काम किया, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाया, अलग उसका झंडा डंडा अलग से दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के शासन के बाद दोबारा जब सरकार आई, पहले ही मीटिंग में, पहले ही संसद में, एक ही उस पर हमारे देश को, जो जम्मू कश्मीर हमारा अलग हिस्सा था, उसको भारत में मिलाने का काम किसी की, विदेश की, भारत की, चीन की, किसी की भी परवाह न करते हुए एक ही मीटिंग में, एक एजेंडे में उस कार्य को किया, 370 का बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसी सरकार हमें सामने साथ देना, और हमारे वही गृह मंत्री 16 तारीख को हमारे जिले में आ रहे हैं, इसलिए दोबारा से आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।